ये तो कॉमिक्स है। खैर तुमने वो बुक पढ़ी जो पिछले महीने मैं तुम्हारे लिए लेके आया था? वो बुक जो पिछले महीने लाए थे? ओ हाँ, जानता हूँ, वो वाली जिसमें से वर्ड्स हैं। बेशक मैंने वो पढ़ ली है। गुड बॉय नोबिता, मुझे खुशी है तुमने उसे पढ़ा। तो बताओ तुम्हें कैसी लगी वो? ओ डैड, अब मैं आपको क्या बताऊँ, वो किताब बहुत ही मजेदार है और सस्पेंस से भरी है। आप खुद ही पढ़ लीजिए ना, आपको बहुत मजा आएगा। क्या वो बुक सस्पेंस से भरी थी? हाँ, मैंने वो किताब एंड तक पढ़ी थी, वो बहुत मजेदार थी और मैं उसे पढ़ता ही रहा। झूठा नोबिता। क्या बात है डैड? मुझे पता है तुमने उसे नहीं पढ़ा। मैं खरीद कर लाया था, कुछ तो पढ़ लेते। तुमने मेरे पैसे खामखा बर्बाद करवा दिए। उन्हें असलियत कैसे पता चली? एल्बर्ट श्वाइट्जर की बायोग्राफी में कोई सस्पेंस नहीं है। ओ, मुझे डैड से कहना चाहिए था, ये बहुत अच्छी बुक है। क्यों डोरेमोन? ये बात तुम अपने दिल से नहीं कह रहे हो, तुम एक बार इसे पढ़ क्यों नहीं लेते? एक अच्छी किताब तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी, इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा नोबिता। मेरे लिए अच्छी रहेगी? पर डोरेमोन, सिर्फ वर्ड्स वाली किताब पढ़ने से मेरा सिर चकराने लगता है, उसे खोलते ही मुझे बुखार चढ़ जाता है, मेरी आंखें घूमने लगती हैं और मैं तंग हो जाता हूँ। दो या तीन पेजेस पढ़ने के बाद अंधेरा छा जाता है और मेरा सर चकराने लग जाता है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, जब हालात ऐसे हो गए हैं तो मुझे खुशी है कि मुझे बुक्स पढ़ने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है डोरेमोन। मैं 22nd सेंचुरी के डिपार्टमेंट स्टोर से कुछ खरीदने जा रहा हूँ। अरे डोरेमोन रुको तो, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा नोबिता, मेरा यही इंतजार करना। डोरेमोन को अपने काम से काम रखना चाहिए। अगर मैंने कहा कि मुझे वो बुक नहीं पढ़नी तो मैं नहीं पढ़ूंगा। इस लड़के के लिए तो मैंने कितने मुश्किल से वो किताब खरीदी थी, लेकिन फिर भी तुम क्या कर रही हो? बात यह है कि मुझे लगा पेंटिंग बदलने का यही सही वक्त है। पेंटिंग? तुम्हारा मतलब वो वाली? सही कहा। रुको 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 रुको। लेकिन क्यों? देखो मैं नहीं चाहता कि तुम उस ऊंचे स्टूल से गिर जाओ और तुम्हें चोट लग जाए, वैसे भी तुम बहुत नाजुक हो। ए जी, आप तो बहुत अच्छे हैं। तुम छोड़ो, ये काम मैं कर दूंगा। तुम मुझे ही क्यों देखती जा रही हो बोलो? तो और मैं किसको देख सकती हूँ जी, बताइए। तुम मुझे नर्वस कर रही हो, मुझे अकेला छोड़ दो, समझे? हाँ, बड़ी अजीब बात है। बच गए, बाल बाल बच गए। कोई गड़बड़ तो जरूर है। सुनिए जी, आप जरा इसे उतार दीजिए ना, मुझे इसे धोना है। नहीं नहीं नहीं, सब ठीक है, ये गंदी नहीं है। मुझे उस दीवार के लिए नई पेंटिंग लानी है। अच्छा मैं चलता हूँ। अब तो मुझे शक हो रहा है। जानता हूँ, मैं इसे बुक शेल्फ में छिपा दूंगा, नोबिता की मॉम कभी बुक पढ़ती ही नहीं है। आज मेरा किताब पढ़ने का मन हो रहा है। नहीं भाग्यवान, क्या आप मेरे लिए एक किताब निकाल देंगे प्लीज? नहीं 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 नहीं, अभी मुझे बुकशेल्फ पूरा साफ करना है। अभी ठहर जाओ, जब तक होने जाता इंतजार करो। ये कैसी मजबूरी है कि मैं यहाँ छिप गया हूँ। आइडिया, ये किताब सही रहेगी। इस किताब को कोई नहीं पढ़ सकता, इस एनवेलप को मैं इसमें रख देता हूँ, ये यहीं पर सुरक्षित है। तुमने तो मुझे डरा ही दिया, मेरी तो जान ही निकल गई। कैसे हो डैड? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। नोबिता नजर नहीं आ रहा। शायद वो बाहर चला गया है। बाहर गया है? मैंने तो उसे यहीं पर इंतजार करने के लिए कहा था, वो जरूर शिजुका के घर ही गया होगा। शिजुका, बेटा डोरेमोन आया है। इंतजार करने के लिए शुक्रिया। बुक वन सीजनिंग। अगर तुम इसे किसी बुक पर छिड़क दोगे तो वो बुक चाहे जितनी भी बोरिंग हो, उसे पढ़ने में तुम्हें मजा आएगा। जैसे कि ये डिक्शनरी, अब तुम इसे पढ़ो। बिल्कुल नहीं, मैं डिक्शनरी को इंटरेस्टिंग होता हुआ नहीं देख सकता। चलो मैं फिर भी ट्राई कर लेता हूँ। ओके। पेसो स्पेन की एक पुरानी मुद्रा है जो अभी मेक्सिको और क्यूबा में इस्तेमाल की जा रही है। अरे ये तो कमाल हो गया। पैसा हाथ से हाथ में जाता है, पूरी दुनिया में घूमता है। ये किताब तो कितनी इंटरेस्टिंग है। वाओ डोरेमोन, ये किताब पढ़ने में मुझे बहुत मजा आया। हाँ। क्या वो किताब इतनी कमाल की है? ऐसा सिर्फ इसे पढ़ने वाले को ही लगेगा। और पढ़ता हूँ, सीक्रेट सेविंग, पैसे को बिना किसी से बताए छिपाना ताकि कोई इसे ढूंढ ना पाए। ये बुक तो कमाल की है डोरेमोन, इसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
देखा ये कैसे काम करता है? पता है, इसे छिड़कने के बाद बोरिंग से बोरिंग बुक भी मजेदार बन जाती है। ये तो कमाल है। चलो अब थोड़ा सा फोन बुक पर छिड़क देता हूँ। अब जरा इसे पढ़ो, चलो देखते हैं। मैं तो डर गया। ये फोन नंबर तो बहुत ही पावरफुल है। तुम्हें क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? इस पर से तो मेरी नजर नहीं हट रही। ये क्या? मुझे पढ़ने में डर लग रहा है। डर लग रहा है, मैं क्या करूं? मैं कांप रही हूँ। मैं घबरा गई थी। ये पढ़ने में बहुत मजेदार था। क्या अब तुम्हें यकीन हो गया नोबिता? चलो घर चलो और एल्बर्ट श्वाइजर की बायोग्राफी पढ़ो। क्या? लेकिन मैं तो इस फोन बुक को और पढ़ना चाहता हूँ। चुपचाप घर चलो। नहीं, मुझे अभी से पढ़ना है। बुक ले चलो, मैं पढ़ना चाहता हूँ। अब चलो रिमोट, तुम घर पहुँचने के बाद इसे पढ़ लेना नोबिता। हाय नोबिता, मेरे ख्याल से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है नोबिता, इसलिए तुम एक फोन बुक पढ़ रहे हो। क्यों? चुप रहो, मैं सिर्फ अच्छी किताबें पढ़ता हूँ, समझ गए तुम? मैं तो इसे और पढ़ूंगा। तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे ये वापस दो। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ये कोई फोन बुक नहीं, एक मामूली बुक है। अरे ये तो क्या जियान, मामूली बुक है। जियान, मुझे वो बुक वापस करो। कर दो, मैंने कहा ना। चुप हो जाओ, हमें इसे पढ़ना है। अब क्या करूं? वो किताब सच में बहुत इंटरेस्टिंग थी। ये किताब भी बहुत बढ़िया होगी। लो, एल्बर्ट श्वाइजर का जन्म अल्सेस के काइजरबर्ग में 1875 में हुआ था। 1913 में वो फ्रांस से अफ्रीका चले गए। ये कमाल है, उनका जन्म कितनी अच्छी जगह पर हुआ था। वो कितने किस्मत वाले थे। हेल्थ एडवाइजर होते हुए उन्होंने एक हॉस्पिटल खोला जो लैम्बरीन में ओगी रिवर के पास था। उनके हॉस्पिटल की वजह से आस पड़ोस के रहने वालों को मेडिकल फैसिलिटीज मिल पाई। मुझे नहीं लगता कोई इंसान इतना अच्छा हो सकता है। अब मैं अगला चैप्टर पढ़ूंगा, काफी इंटरेस्टिंग किताब है। मुझे खुशी है कि नोबिता को एक अच्छी किताब मिल गई। अरे वाह, डैड की ये बुक तो कमाल की है, इसमें मुझे काफी सारे पैसे भी मिल गए। डैड खुश हो जाइए। आखिर किस लिए डोरेमोन? नोबिता एल्बर्ट श्वाइजर की बायोग्राफी पढ़ रहा है, वो भी दिल से। क्या कहा तुमने? क्या हुआ डैड, जरा रुकिए तो। डैड, एल्बर्ट श्वाइजर और प्रिंस शुटू को दोस्त थे। एक बात बताओ, इसमें तो मुझे पैसे भी मिल गए, ये बुक कमाल की है ना? क्यों डैड? वो पैसे मुझे दो। नहीं, मैं आपको नहीं देने वाला, अभी बुक का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट चल रहा है। ओके, देखो ये पैसे मैंने बहुत मुश्किल से बचाए हैं अपने बुढ़ापे के लिए, लौटा दो। मैं भी इसे पढ़ रहा हूँ। मेरे पैसे लौटा दो। शायद मुझे नोबिता को वो किताब पढ़ने के लिए नहीं देनी चाहिए थी, ये एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। प्लीज दो ना। मैं इसे नहीं दूंगा डैड। मेरे साथ ही ऐसा क्यों?